हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप फिर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो कुछ हमारे सब्सक्राइबर के लिए, जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियो के नीचे कमेंट किए थे कि हम किस तरह अपने जो है स्मार्टफोन में जो LED उसे ऑन कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप किस तरह उसे ऑन कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन या स्टेटस बार वाला ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि किस तरह उसे ऑन कर सकते हैं अपने किसी भी ओप्पो के स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर शो हो रहा है नोटिफिकेशन स्टेटस बार, तो ये जो मैं ओप्पो A57 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें जो जो ऑप्शन है नोटिफिकेशन है स्टेटस बार वाला, तो दूसरे मोबाइल में यहाँ पर आप किसी तरह उसे इनेबल कर सकते हो इस तरह के नोटिफिकेशन है स्टेटस बार वाले ऑप्शन को। तो ये जनरली सिर्फ ओप्पो के A57 में मैंने देखा है। तो यहाँ पर इसके जो अबाव वरियन है, यानी इससे जो बड़े मोबाइल उसमें भी ये फीचर्स होता है, तो इससे छोटे जो है फीचर्स उसमें यह नहीं होता। तो आप किस तरह उसे इनेबल कर सकते हो तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ की परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली आप इजीली यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन की परमिशन को, यहाँ पर उसकी फ्लैश लाइट परमिशन को ऑन कर सकते हो। यानी अगर इसका नोटिफिकेशन आए तो उसकी जो है लाइट वगैरह जो है सेंसर की वो है ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर आप उसको किस तरह ऑन कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में इस तरह का जो है मैनेजर नोटिफिकेशन वाला फीचर, यानी इस तरह का नोटिफिकेशन स्टेटस बार वाला फीचर नहीं है। तो सबसे पहले आपने चले जाना है अपने मोबाइल की एडिशनल सेटिंग में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपने जस्ट एडिशनल सेटिंग में चले जाना है। अगर आप यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा एडिशनल, यानी एप्लीकेशन मैनेजमेंट का। तो इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो ऑल पर आपने चले जाना है, जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल भी हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगी, और जो आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप जो है किसी भी चीज़ की परमिशन आपको मैं बता दूँ किस तरह आपने इनेबल कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है बैटरी एम्पेयर वाला जो है, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस पर आपने जो है क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जो है लाइट, यहाँ पर इसका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जो है लाइट वगैरह जो जो सेंसर की लाइट है तो उसके साथ जो लाइट होती है वो जो है ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पर आप किसी भी जो एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हो। यहाँ पर जो बैटरी की परमिशन आप यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने बहुत सारा ट्राई किया मगर यहाँ पर जो है उसकी जो है परमिशन को मैं ऑन नहीं कर सका। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन LED, आप यहाँ पर फ्लैश लाइट को भी ऑन करेंगे तो तभी आपकी जो है फ्लैश लाइट वो भी ऑन नहीं होगी। तो ये फ्लैश उस वक्त ऑन होगी जब आपका मोबाइल जो है कम्प्लीटली जो है पावर ऑफ होगा। तो अगर आप यहाँ पर प्लग करेंगे तो आपका मोबाइल की जो है लाइट वगैरह वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। तो उसी वक्त जो है ओप्पो के स्मार्टफोन में जो है जो LED चार्जिंग के वक्त जो है ब्लिंक करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ की परमिशन को अलाउ करके उसकी फ्लैश लाइट को अनेबल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग और हर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।